Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 2.3 from chapter 2 fractions of decimals of class 7 ML Agarwal. Question 1 to 7 हमने last video में solve कर लिया था. यहाँ हम question 8 से start कर रहे हैं. A car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 2 3/4 liter of petrol? तो इसे हम कैसे solve करेंगे? तो statement में आपको confusion होती है ना? तो उसके लिए ध्यान से समझिए आप. क्वेश्चन में स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे ये बातें है ना. देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस की बात की जा रही है. तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, जब स्टेटमेंट लिखते हैं ना तो इक्वल टू के बाद डिस्टेंस लिखेंगे. तो यहाँ हम इक्वल टू देकर पहले डिस्टेंस, अब देखिए डिस्टेंस इसमें हमें क्या दे रखा है सेंटेंस में है ना, 16 किलोमीटर ये डिस्टेंस हमारा की है. तो यहाँ हम लिख लेंगे 16 किलोमीटर. अब स्टेटमेंट इधर हम क्या लिखेंगे, बचे हुए पार्ट से स्टेटमेंट बना लेंगे हमें हमें डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है ठीक है. तो यहाँ क्या दे रहा है कार, 1 liter ऑफ पेट्रोल, क्योंकि 16 किलोमीटर तो यहाँ आ गया है ना. तो क्या बच रहा है, कार रन्स यूजिंग 1 liter ऑफ पेट्रोल, इसी बात को हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे. और क्वेश्चन हमें डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहा है, पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितने दिन में देर में कवर करता है. तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 liter ऑफ पेट्रोल, यही हम लिख लेंगे. तो लिखेंगे यहाँ पे हम डिस्टेंस कवर्ड इन 1 liter ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 16 किलोमीटर ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 3/4 liter पेट्रोल में कितना कवर करेगा, तो लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 के नीचे लिख लीजिए 2 3/4. अब इसे इम्प्रॉपर, ये मिक्स्ड है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं. 4 2 8, 8 + 3 = 11, तो ये हो गया हमारा 11/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, तो 1 के बारे में दिया है, ज़्यादा का निकालना है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 16 × 11/4. अब यहाँ देखिए 4 से तो 16 हमारा रिड्यूस हो जा रहा है, तो हम रिड्यूस कर लेंगे 4 4 = 16, तो क्या बच गया 4 × 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर इज द आंसर ठीक है. तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 2 3/4 liter ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 44 किलोमीटर इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 9 इज सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर ठीक है. 1 आवर में 1/3 पार्ट पढ़ता है बुक का. और हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 1/5 आवर्स, तो 2 1/5 आवर्स में वो कितने पार्ट्स ऑफ बुक पढ़ेगा. तो क्वेश्चन हमारा देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक रीड कितना करता है. तो यानी कि इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे पार्ट ऑफ द बुक ही रीड, तो मान लीजिए यहाँ हम ले लेते हैं इक्वल टू. अब यहाँ देखिए पार्ट ऑफ द बुक कितना रीड किया हुआ दे रहा है, 1 आवर में 1/3 पार्ट ऑफ बुक रीड करता है ना. तो इक्वल टू के बाद हमारा 1/3 पार्ट आ गया. तो हम क्या स्टेटमेंट है, अब हमारा क्या बच गया, सुशांत रीड्स इन 1 आवर, तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे पार्ट ऑफ द बुक रीड इन 1 आवर. तो वही हम लिख लेंगे पार्ट ऑफ द बुक रीड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/3. इसे आप ओनली ये भी लिख सकते हो है ना, बुक रीड इन 1 आवर इक्वल टू 1/3 पार्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं. ये स्टेटमेंट लिखने का तरीका है जो कि आपको मैं यहाँ बता रही हूँ क्लियर. तो ये 1/3 पार्ट हमने लिख लिया. अब हमसे क्वेश्चन में 2 1/5 आवर्स का पूछ रहा है, तो हम वही लिख लेंगे पार्ट ऑफ द बुक रीड इन 2 1/5 का इम्प्रॉपर बनाएंगे तो क्या होगा, 5 2 10 and 1 11 ना. तो यहाँ लिख लेंगे इन 11/5 आवर्स इज इक्वल टू, 1 के बारे में हमें दिए हुआ है ना, 1 आवर के बारे में दिया है एंड 11/5 का निकालना है ना. तो हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. जब भी आपके 1 के बारे में कोई थिंक दिया हुआ है उससे ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है. तो 1 का फर्स्ट लाइन में है तो 11/5 अब हमें निकालने हैं, तो हम लिख लेंगे 1/3 × 11/5. अब देखिए यहाँ कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 11 × 1 = 11/3 = 15, तो ये हमारा आंसर हो गया 11/15 पार्ट इज द आंसर क्लियर. पार्ट ऑफ द बुक रीड इन 11/5 आवर्स इज इक्वल टू 11/15 क्लियर. नाउ क्वेश्चन 10 इज एन ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर ठीक है. एक ऑर्नामेंट से जो गोल्ड कॉपर से बना हुआ है जिसका वेट दिया है 52 ग्राम्स, यानी कि गोल्ड एंड कॉपर दोनों मिक्स करके एक ऑर्नामेंट्स बना है जो 52 ग्राम्स का है. इफ़ 2/3 ऑफ इट्स पार्ट इज कॉपर, अब उसमें कॉपर का पार्ट दिया हुआ है ठीक है, तो फाइंड द वेट ऑफ प्योर गोल्ड, तो प्योर गोल्ड का वेट हमें निकालने हैं. तो हम लिख लेंगे टोटल वेट ऑफ गोल्ड एंड कॉपर 52 ग्राम्स एंड नाउ पार्ट ऑफ कॉपर ये हमारा दिया है 2/3 ऑफ इट्स.
अब यहाँ देखिए 2/3 ऑफ ईट्स, ईट्स का मतलब ये हमारा पार्ट टोटल का, यानी कि गोल्ड कॉपर का जो वेट है उसमें से उसका 2/3 ओनली कॉपर है, तो गोल्ड कॉपर तो मिक्स है ना, तो इसीलिए है 2/3 ऑफ ईट्स। तो क्या मतलब हुआ, 2/3 इंटू ऑफ का है तो इंटू का साइन देंगे, एंड किसका तो 52 का, तो इंटू 50, तो वही हम लिख लेंगे। देयरफॉर वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 2/13 इंटू 52। अब यहाँ हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो 13 से हमारा 52 रिड्यूस हो जाता है, 13 4 52 तो इक्वल टू कितने हो गए 8 ग्राम, 4 2 8 ग्राम। क्लियर, तो वेट ऑफ हमारा कॉपर आ गया 8 ग्राम। अब हमें वेट ऑफ प्योर गोल्ड भी पूछना है, पूछ रहा है, तो निकल जाएगा वेट ऑफ प्योर गोल्ड। देयरफॉर वेट ऑफ प्योर गोल्ड इक्वल टू, ठीक है, तो टोटल वेट हमें पता है, दिया हुआ बुक में गिवन है, तो 52 माइनस, अब टोटल गोल्ड कॉपर के टोटल वेट 52, जिसमें से कॉपर है 8 ग्राम, तो प्योर गोल्ड क्या करेंगे 52 में से 8 ग्राम माइनस कर देंगे, तो 52 माइनस 8 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 11 इज, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स है ना, टोटल 40 स्टूडेंट है, उसमें से 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, यहाँ देखिए समझिए 1/5 ऑफ टोटल नंबर, तो टोटल नंबर स्टूडेंट 40 है, कहने का मतलब 1/5 इंटू 40, ठीक है, लाइक टू स्टडी इंग्लिश, तो उतने बच्चे क्या करते हैं इंग्लिश पसंद करते हैं, एंड 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी हो गया 2/5 इंटू क्या हो गया हमारा 40, टोटल नंबर स्टूडेंट 40 है, तो इसका मतलब यही हुआ ना 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन देंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, तो यहाँ आ गया हमारा 40। लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड रिमेनिंग लाइक टू स्टडी साइंस, तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बच्चे, स्टूडेंट कितने पढ़ने वाले, उनका फ्रैक्शन दिए हुआ है, टोटल स्टूडेंट दिए हुआ है, तो हमें रिमेनिंग स्टडी साइंस का निकालना होगा। देन फर्स्ट पार्ट हम फर्स्ट देखते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, तो इस फर्स्ट पार्ट में ओनली हमें इंग्लिश का पूछ रहा है कि इंग्लिश कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका फ्रैक्शन हमारा है, तो नंबर ऑफ इंग्लिश स्टडी स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1/5 ऑफ 40 निकाल लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं, तो पहले तो हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40, टोटल स्टूडेंट 40 है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश स्टडी कितने करते हैं ना, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश इज इक्वल टू, इंग्लिश पढ़ने वाले का फ्रैक्शन हमारा 1/5 ऑफ 40, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ आ गया हमारा 40, तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 40, तो देखिए 5 8 40, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स। क्लियर, तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया 8 स्टूडेंट्स। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो सेकेंड में हमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, तो इसका निकाल लेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले का फ्रैक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके 2/5 ऑफ है ना, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये भी 40, तो ये अगेन हो गया हमारा 5 8 4 40, तो इक्वल टू कितने स्टूडेंट हो गए 2 × 8 इज 16, तो 16 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हमारा इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, ठीक है, तो साइंस पढ़ने वाले बच्चों का हमें ओनली फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे कि रिमेनिंग कितने स्टूडेंट हैं, तभी तो हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, है ना, तो हम लिख लेते हैं थर्ड पार्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग स्टूडेंट्स, रिमेनिंग रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस इज इक्वल टू, तो साइंस पढ़ने वाले कितने बच्चे, तो देखिए टोटल हमारा है 40, तो 40 में से 8 स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहे हैं और 16 मैथ पढ़ रहे हैं, तो साइंस पढ़ने वाले क्या होंगे 8 प्लस 16
कर लेंगे और उसे हम टोटल में से माइनस कर लेंगे। तो वही हम यहाँ लिख लेंगे, 40 माइनस ब्रैकेट्स में ले लेंगे 8 प्लस 16 स्टूडेंट्स, तो इक्वल टू क्या हो गया, 40 माइनस, पहले हम ब्रैकेट का वर्क करते हैं, तो 8 प्लस 16 इज 24, तो इक्वल टू कितने हो गए, 40 माइनस 24 इज 16 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 16 स्टूडेंट्स क्या है, स्टडी साइंस करते हैं 16 स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ फ्रैक्शन बताने हैं, है ना, तो नंबर ऑफ साइंस स्टडी स्टूडेंट 16, तो सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन के लिए हम लिख लेंगे फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस इज इक्वल टू, तो यहाँ हमारा 16 है तो लिख लेंगे 16 बाई, है ना, टोटल स्टूडेंट में से हमें साइंस के स्टडी साइंस स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 16 बाई टोटल स्टूडेंट्स 14। अब ये रिड्यूस हो जाएगा 16 बाई 14, तो इस किससे रिड्यूस हो जाएगा, तो देखिए 8 से रिड्यूस कर लेते हैं, 8 टू जार 16, 8 फाइव जार 40 इज इक्वल टू 2 बाई 5 स्टूडेंट्स। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया, 2 बाई 5 इसका फ्रैक्शन बन गया। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 12 इज, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1 बाई 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2 बाई 3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। तो ये हमारा लेंथ दे रखा है एंड ब्रेथ दे रखा है, तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो हम लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल टू 12 1 बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मिक्सड में है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो गया 25 बाई 2 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेथ इक्वल टू 10 2 बाई 3 इज इक्वल टू 32 बाई 3 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट हमें पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इक्वल टू 2 लेंथ हमारा लिख लेंगे, लेंथ हमारा 25 बाई 2 प्लस ब्रेथ है 32 बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, तो इक्वल टू क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का वर्क करते हैं, तो हम लिख लेंगे 2 ब्रैकेट्स। अब यहाँ क्या करना है, 3 एंड 2 का हम एलसीएम लेंगे, तो 3 एंड 2 का एलसीएम हो जाता है 6, नाउ 2 3 जार 6 एंड 25 इंटू 3 इज 75 प्लस 3 2 जार 6 एंड 32 2 जार 64 ब्रैकेट क्लोज, तो इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए 75 प्लस 64 करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 139 डिवाइडेड बाई 6। अब ये 2 कहाँ है, न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर है एंड 6 नीचे है, तो 2 1 जार 2 2 3 जार 6 डिवाइड हो गया, अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो इक्वल टू 139 बाई 3। अब इसे अगेन हम डिवाइड करेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर में आ गया, तो मिक्स्ड बना लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46 1 बाई 3 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर, नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज, एरिया निकालने हैं, तो हम लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो लेंथ हमारा है 25 बाई 2 इंटू ब्रेथ 32 बाई 3। अब यहाँ पे हम रिड्यूस कर लेंगे, 2 1 जार 2 एंड 2 16 जार 32, तो अब ये हमारा क्या हो गया, 25 इंटू 16 अपॉन 3, तो इक्वल टू, क्योंकि कोई तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 25 को जब 16 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता हमारा 400 अपॉन 3 इक्वल टू, इम्प्रॉपर में आ गया क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं, है ना, तो इम्प्रॉपर में है, तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा मिक्स्ड में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 133 1 बाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर, हमेशा ध्यान रखना आप जब भी एरिया हम फाइंड करते हैं किसी का तो आंसर में हम स्क्वायर जरूर लगाते हैं। गॉट इट, नाउ क्वेश्चन 13 इज, इन ए स्कूल 25/54 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 2030 फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखिए हमें पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, वो दिया नहीं है क्योंकि कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट में से 25/54 गर्ल्स है ना, 25/54 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो हमें पता नहीं है, तो टोटल स्टूडेंट्स हम लेट कर लेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हुए और अच्छी तरह समझेंगे, तो लिख लेंगे हम लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स।
अब हमें कह रहा है कि जो इस एक्स का है ना टोटल स्टूडेंट का 20/54 गर्ल्स है, तो सो गर्ल्स का क्या हो जाएगा, लिख लेंगे सो 25/54 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/54 ऑफ द स्टूडेंट, और ऑफ द स्टूडेंट्स हमने क्या लिया है एक्स, यानी कि 25/54 इंटू एक्स है ना, 25/54 इंटू एक्स, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 25/54 एक्स, ठीक है, क्लियर है ना। इसको ध्यान से समझिए आप, स्टूडेंट्स को एक्स हमने माना और इसी एक्स में ना टोटल स्टूडेंट में से ही तो कह रहा है कि 25/54 फ्रैक्शन एक गर्ल्स का है, तो इसमें से एक्स में से है, तो इसीलिए हम 25/54 ऑफ एक्स, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लेंगे एंड एक्स आ गया, तो हो गया हमारा 25/54 एक्स, क्लियर। तो देयरफॉर फ्रैक्शन फॉर बॉयज निकाल लेते हैं, तो फ्रैक्शन फॉर बॉयज, क्योंकि कह रहा है कि रेस्ट बॉयज है ना, लिखा है ना रेस्ट आर बॉयज, तो पहले बॉयज का हम फ्रैक्शन निकालेंगे देन हम नंबर निकालेंगे, तो फ्रैक्शन फॉर बॉयज क्या हो जाएगा टोटल स्टूडेंट में से गर्ल का फ्रैक्शन माइनस करेंगे, तो बॉयज का फ्रैक्शन आ जाएगा, तो लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट को हमने एक्स माना है, तो एक्स माइनस गर्ल्स का फ्रैक्शन, तो 25/54 एक्स। अब फर्स्ट हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट हमारा आ गया है इसे फर्स्ट हम लिखकर सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स के नीचे कुछ नहीं यानी वन, तो 154 का एलसीएम 54, अब ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 से 54 डिवाइड किए तो 54 इंटू एक्स इज 54x, तो हो गया यहाँ पे हमारा 54x माइनस 54 वन जार 54 एंड 125 जार 25, तो माइनस 25x इज इक्वल टू 54 माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाता हमारा 29/54x, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अब तो बॉयज का हमने फ्रैक्शन निकाल लिया, क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज हमें 2030 दिया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, फर्स्ट हमें नंबर ऑफ बॉयज दिए हुआ है, नंबर ऑफ सॉरी बॉयज का फ्रैक्शन आ गया हमारा, तो बॉयज का फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर 29/54x इज इक्वल टू 2032, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ 29x स्टॉप कर लेंगे, 29x इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2030 इंटू एक्स, ठीक है सॉरी 2030 इंटू 54 होगा ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारा 54। अब हम x को यहीं स्टॉप कर लेंगे, तो x इक्वल टू ये क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड बन जाएगा, तो लिख लेंगे 2030 इंटू 54 अपॉन 29। अब 29 से 54 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे 2030, तो ये हमारा 29 सेवन जार 203 होता है एंड ये जीरो यानी कि 70 टाइम्स में 2030 डिवाइड हो गया। अब हम 70 इंटू 54 करेंगे तो हो गया x इक्वल टू हो जाएगा तब हमारा 3780, ठीक है। अब x हमारा क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि x, तो एक हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा जा रहा है, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स 3780, इसमें से हम क्या करेंगे बॉयज का माइनस कर लेंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज हमें दे रखा है 2030 है ना, तो उसे माइनस कर लेंगे तो हमारा गर्ल्स का नंबर निकल जाएगा, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट, एक हमारा टोटल स्टूडेंट, तो 3780 माइनस नंबर ऑफ बॉयज क्वेश्चन में हमारा है 2030, तो इसे हम जब माइनस करेंगे तो आगे हमारा आंसर 1750 इज द आंसर। नाउ डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां क्लिक कर आप ऑल वीडियोज वन बाय वन देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 14 इज इन एन ऑर्चर्ड 1/5 आर ऑरेंज ट्रीज, 3/13 आर मैंगोज ट्रीज एंड रेस्ट आर बनाना ट्रीज, इफ द बनाना ट्रीज आर 148 इन नंबर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ऑर्चर्ड, तो पहले हम ऑर्चर्ड में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं वो फाइंड करें वो लेट कर लेंगे, तो हम लिख लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ ट्री इज इक्वल टू एक्स फ्रैक्शन फॉर ऑरेंज ट्री है ना, 1/5 ऑफ टोटल ट्री, तो टोटल ट्री हमने माना एक्स है ना, तो क्या जैसे है ना ये हमने क्या लिखा, चलिए लिख के कर लेते हैं 1/5 ऑफ
टोटल ट्री, टोटल ट्री को x माना हमने तो आ गया x, तो इक्वल टू क्या हो गया x बाई फाइव, क्लियर। इसी तरह से ऑरेंज ट्री हो गया, अब फ्रैक्शन ऑफ हमें दे रखा है मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री के लिए कितना फ्रैक्शन हमारा 3/13 ऑफ टोटल ट्री, तो ये हो गया हमारा 3/13 इंटू एक्स, यानी कि 3x/13। नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज मैंगो एंड बनाना ट्री हमें निकालने है ना, तो लिखेंगे इस देयर फोर फ्रैक्शन ऑफ बनाना ट्रीज इज इक्वल टू, तो बनाना ट्री का फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल ट्री में से हम मैंगो एंड ऑरेंज ट्री है ना, ऑरेंज एंड मैंगो ट्री को प्लस करके टोटल में से माइनस कर लेंगे, तो हमें बनाना ट्री कब निकल जाएगा, तो लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन फॉर बनाना ट्री इज इक्वल टू टोटल यानी ट्री यानी कि एक्स माइनस ब्रैकेट्स में ले लेंगे एक्स बाई फाइव प्लस 3/13 एक्स ब्रैकेट क्लोज, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस, अब यहाँ क्या लेंगे एलसीएम, तो 13 एंड 5 का एलसीएम हो जाता है 65, ब्रैकेट्स के अंदर वर्क करेंगे तो देखिए 5 13 जार 65 एंड 13 इंटू एक्स इज 13x, यानी कि ऊपर में 1 है तो 13 वन जार 13 13x प्लस 13 5 जार 65 एंड 5 3 जार 15, तो ये हो गया हमारा 15x, तो इसका टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस, अब 13 प्लस 15x है ना, 13x प्लस 15x ये हो गया हमारा 5 3 8 1 और 2 28x बाय 65। अब अगेन यहाँ हम फ्रैक्शन करेंगे है ना, इस सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में ही आ गया फिर से हमारा है ना, तो एक्स के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1, तो फिर से हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एलसीएम 65। अब देखिए 65 नीचे में 1 है तो 1 से डिवाइड किए तो 65 ही आया, 65 इंटू एक्स इज 65x माइनस 65 वन जार 65 128 तो इक्वल टू 65 माइनस 28x, तो ये हमारा हो जाता है आपका 37x बाई 65, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए हमने बनाना ट्री का फ्रैक्शन निकाल लिया, अब नंबर ऑफ टोटल ट्री हमें सॉरी नंबर ऑफ बनाना ट्री ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में 148 बनाना ट्री का नंबर दे रखा है, तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फ्रैक्शन बनाना ट्री का फ्रैक्शन लिख लेते हैं फर्स्ट 37x बाई 65 इज इक्वल टू 148, बनाना ट्री का नंबर 148 है। अब हम क्या करेंगे 37x को यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, 37x को स्टॉप करेंगे तो क्या होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 148 इंटू 37, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे 148 इंटू 37, 37 क्या आएगा नीचे आ गया डिवाइड में आ जाएगा तो 37, ठीक है सॉरी यहाँ मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, ये है 65, हाँ 148 इंटू ये आ जाएगा आपका 65, ठीक है यहाँ 65, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे 37 फोर टाइम्स में 148 आता है तो 4 से डिवाइड कर लिया, अब 4 इंटू 65 आ गया हमारा 260, और एक हमने क्या माना था टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो 260 आंसर आ गया, तो हम लिख लेंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ ट्री इज इक्वल टू 260, एंड विद दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।